हजार बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूं, क्या तुम्हारा मोदी एक बच्चे को फ्री पढ़ा रहा है अपने जेब से? लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव देम द स्पेस, मेरे स्कूल है 14 स्कूल है जहां पे 15,000 बच्चों को मैं फ्री पढ़ा रहा हूं। जो लोग पूछते हैं मजलिस क्या कर रही है, बिलखुसूस वो बीजेपी वाले पूछते हैं कि मजलिस क्या कर रही है, उस पूछने वाले बीजेपी के आदमी से कहना चाहता हूं, 15,000 बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूं, क्या तुम्हारा मोदी एक बच्चे को फ्री पढ़ा रहा है अपने जेब से? नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं। आओ चैलेंज करता हूं, आओ चलो बताता हूं और दिखाता हूं। 15,000 बच्चे फ्री तालीम कोई है हिंदुस्तान में? मजलिस क्या करी पूछते। अरे मजलिस ने बहुत किया, हमने नफरत के नाम पे वोट हासिल नहीं किया, सोसाइटी को बांट के हासिल नहीं किया, हमने काम किया। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, आई एम कमिंग फॉरवर्ड। कल्याणा लक्ष्मी में भी शादियां हुई। मजलिस पर इल्जाम लगाने वालों, मजलिस ने काम किया है, इस ऐवान में वक्त जाया नहीं किया, हमने मुसलमानों के मसाइल के लिए लड़ा है। अनीसुल गुरबा, आज इतनी बड़ी इमारत तामीर हो रही है, हुकूमत का शुक्रिया, केसीआर साहब का शुक्रिया, लेकिन अनीसुल गुरबा की लड़ाई मैं कब से लड़ रहा हूं? 2004 से लड़ रहा हूं। अनीसुल गुरबा एंडोमेंट में था, हमने एंडोमेंट से वक्फ बोर्ड को दिलाया। अनीसुल गुरबा 500 गज जमीन पे था, तो हर चीफ मिनिस्टर के दौर में 200, 400, 500 जमीन ली, और केसीआर साहब के दौर में 3,000 गज जमीन हमने हासिल की और वहां पर इमारत बनाया। अरे इस्लामिक कल्चरल डेवलपमेंट की एक बिल्डिंग गंडीपेट में 10 एकड़ जमीन दी गई, यह भी मजलिस की नुमाइंदगी पर। अरे मजलिस काम कर रही है, जामे निजामिया की इमारत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूर हुई, मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी। जो चीज नहीं होती है, हम बोलते हैं अचलिकास को जो महाना तनख्वाह देते पुजारियों को, हमने कहा कि बहुत अच्छा, हम इसका इस्तकबाल करते हैं, खैर मुकदम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने कहा कि अइमा और मौजनों को भी दी जानी चाहिए। हमने अइमा और मौजनों के लिए भी महाना पैसे लाए और हुकूमत उनको भी दे रही है। हां देरी होती है, आगे पीछे होता है, लेकिन मिल रहे हैं। ये एक कामयाब नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। औकाफी जायदादों की के लिए हमने काम किया, मौलाली में रैंप मजलिस की नुमाइंदगी पे मंजूर हुआ, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी का रैंप मजलिस की नुमाइंदगी पर। काम हो रहा है, स्लो है, लेकिन हमको यकीन हो जाएगा। अजमेर शरीफ में रुबात के लिए मुतालबा हमने किया, जमीन अलॉट हो गई है, ड्राइंग्स बने हैं, परमिशन का इंतजार है। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल कॉलेजेस, काम हो रहा है, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम हो रही है, कामयाबी के साथ चल रही है। हां मुझे यह बात का इकरार करते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं कि मुझे भी यकीन नहीं था कि इतनी कामयाबी से चलेंगे, लेकिन आज मेरे उस यकीन को भी शिकस्त देकर कामयाबी के साथ चल रही है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स।